हेलो एवरीबॉडी, क्लास नाइन्थ की वर्कशीट आ गई बेटा, साइंस की वर्कशीट नंबर 24, 28 अगस्त 2020 की। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका, और कोशिका के अलग अलग अंगों के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली बार हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉल्जी उपकरण और लाइजोजोम्स के बारे में। गॉल्जी उपकरण कैसी होती है और ये क्या कार्य करती है? ज्ञान, गॉल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक है, ध्यान से पढ़िए, जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के समानांतर रूप से सजी होती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, ऐसी शेप में होती हैं बेटा, जो अंतरद्रव्य जालिका झिल्ली के संपर्क में रहती हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में रहती हैं। अंतरद्रव्य जालिका में पना पदार्थ गॉल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेजा जाता है। वहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पर गॉल्जी उपकरण में भेजी जाती हैं। गॉल्जी उपकरण उनको संभाल कर रखता है, उनको पैकेजिंग करता है और उनको बाहर या अंदर भेजता है। अंतरद्रव्य जालिका में बना पदार्थ गॉल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, जहाँ उनका संचयन, रूपांतर, उन्हें बंद करना, ढकना, पैक किया जाता है और कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिया जाता है। ये है गॉल्जी उपकरण की फ़ोटो, जहाँ पर आपको दिखाया गया है गॉल्जी उपकरण दिखता कैसा है। अगला क्वेश्चन कहता है, दीदी एक कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों का कैसे सफाया करती है? आप उसके अंदर भी बहुत सारी गंदगी होती है, उसको कैसे डील करती है? ज्ञान, गॉल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ साथ एक कोशिका अंगक का भी निर्माण करती है। गॉल्जी उपकरण क्या करता है? एक और कोशिका अंगक का निर्माण करता है, जिसको लाइजोजोम कहा जाता है। कौन करता है इसका निर्माण? गॉल्जी उपकरण करता है। इन लाइजोजोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पचा सकते हैं, जो खुरदरी अंतरद्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम कौन बनाता है? खुरदरी अंतरद्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं और गॉल्जी उपकरण द्वारा लाइजोजोम में पैक कर दिए जाते हैं। लाइजोजोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। कोशिका का अपशिष्ट मिटाने वाला तंत्र कौन सा है बेटा? लाइजोजोम। कौन सा है? लाइजोजोम। लाइजोजोम कौन बनाता है? लाइजोजोम गॉल्जी उपकरण बनाते हैं। वेरी गुड। लाइजोजोम के अंदर एक पाचक एंजाइम होता है, उसे कौन बनाता है? लाइजोजोम में जो शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं वो खुरदरी अंतरद्रव्य जालिका बनाती है। ठीक है बच्चे, लाइजोजोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। कभी कभी कोशिकी उपापचय में व्यवधान के कारण, अगर मान लो कोई दिक्कत आ जाए, सेल बीमार हो जाए या उसमें कोई क्षति हो जाए या सेल की मृत्यु हो जाए, तो लाइजोजोम फट जाता है और उसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइजोजोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी ही कोशिका को भी ख़त्म कर सकता है, इसलिए उसको आत्मघाती भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। यहाँ पर देखिए गॉल्जी उपकरण क्या क्या करता है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। गॉल्जी उपकरण पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग करता है। जो कहाँ से आते हैं? जो अंतरद्रव्य जालिका से आते हैं। सामान्य से जटिल शक्कर का निर्माण, ग्लूकोज से स्टार्च वगैरह का फॉर्मेशन करता है, लाइजोजोम का भी निर्माण करता है। लाइजोजोम क्या करता है? कोशिका को साफ रखता है, पाचक एंजाइम इसमें होते हैं और इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वयं को जांचिए, गॉल्जी उपकरण में कोशिका में क्या महत्व है? गॉल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? ये देखिए, ये है महत्व। क्या करता है गॉल्जी उपकरण? ये गॉल्जी उपकरण क्या क्या काम करता है यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप पूरे को लिखिए। गॉल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है, ये कहाँ से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चा ये। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, यह है गॉल्जी उपकरण कैसा दिखता है। अगला क्वेश्चन कहता है, लाइजोजोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? यहां पर देखिए, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है, नहीं ये वाला पोर्शन यहां से नहीं, यहां पे। कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइजोजोम फट जाते हैं और उनके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइजोजोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन, लाइजोजोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं? मैंने बताया था ना, लाइजोजोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुरदरी अंतरद्रव्य जालिका द्वारा
बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।